और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन है। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, रायपुर में होगा बड़ा कार्यक्रम, अलग अलग जगहों पर रैली निकालेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक लगाने का विरोध किया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी के कार्यकर्ता आज सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जेल भरो आंदोलन का आगाज आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है, अलग अलग जगहों पर रैली निकाली जाएगी और इसके अलावा धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक लगाने का विरोध भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। दुर्भाग्य है कि प्रदेश की सरकार अब असहमति के हर आवाज को दमन करना चाहती है। उन्होंने एक काला आदेश निकाला और निकालकर रैली और प्रदर्शन पर कड़े प्रतिबंध के साथ नई नई शर्तों को थोपने का काम किया। पूरे देश प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में 5,000 से ज्यादा लोगों के द्वारा हर जिले जिले में गिरफ्तारी दी जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा होगी। साथ में हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, आज बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। यह पहले से ही तय हो गया था कि आज 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। दरअसल जो सरकारी आदेश निकला है धरना प्रदर्शन से लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका ये विरोध है और बीजेपी इस बात का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करके जेल भरो आंदोलन करेगी। मतलब जो आदेश जो शक्ति बरती गई है उसी का विरोध है, उसी की तर्ज पर इस तरीके का प्रदर्शन होगा। राजधानी मुख्यालय पर सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन के आला नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग जिलों में इसी तरीके से कुछ प्रदर्शन होगा। क्योंकि प्रदर्शन पहले से ही तारीख तय हो गई थी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब रायपुर में जो सीएम हाउस है उसको चारों तरफ सुरक्षा घेरे में लिया गया है। दोपहर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो जेल भरते हुए दिखाई देंगे। अंकुश, इस प्रदर्शन के जरिए एक तरह से बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। ऐसे में सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए साथ ही साथ सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस पूरे आंदोलन प्रदर्शन को ले रही है और अलग अलग जगहों पर धरने दिए जाएंगे, अलग अलग जगहों से घेराव करने के लिए रैलियां निकलेंगी और जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म होगा तो जेल भरने के लिए सभी पदाधिकारी अपना अपना नाम लिखाएंगे। और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ अब क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक आयोजन किया है, बड़ा ऐलान किया था, उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम हाउस की अगर बात करें तो 2 से 3 दिनों से बैरिकेडिंग लगाए जाने की तैयारी वहां पर चल रही है। पुलिस के जो जवान है वो आज सुबह से ही तैनात कर दिए गए हैं और अलग अलग जगहों पर कलेक्ट्रेट का जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है। आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। ठीक है अंकुश, नजर बना के रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।